हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, हमारे यहाँ पे अभी जस्ट बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये पूरा 100 एकड़ जमीन का पानी, आप देख सकते हैं इस तरफ से, ये पूरी तरह से 100 एकड़ जमीन का पानी इस तरफ गांव में आता है, जो हमारे घरों में घुस जाता है। जो पानी में जो जानवर है, जो सांप है, आप देख सकते हैं इतनी दूर से बड़े बड़े सांप आते हैं, जो हमारे घरों में घुसने लगते हैं ये पानी के जरिए, है ना। तो जिससे हम लोगों को धोखा हो सकता है। अभी आप देखिए, ये जो पानी है 100 एकड़ की जमीन का, इसके बारे में हमने गांव के जो सरपंच है हमारे यहाँ के, तो इनको भी हमने बताया था कि भाई ये जो पानी, जो 100 एकड़ जमीन का पानी आ रहा है, अब इसका कुछ इलाज कीजिए, इसको निकालिए एक साइड की किसी भी तरफ। तो वो लोग मुझे कहने लगे कि इसके लिए हम क्या करें। अभी जो गांव के सरपंच है, ग्राम सेवक है, उप सरपंच है, जब ये लोग इसका इलाज नहीं कर सकते तो हम और तुम क्या करेंगे। हम जैसे आम लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ को कौन सुनेगा। अभी आप ही बताइए, आज से एक महीना पहले मेरे खुद के लड़के को डायरिया हो गया था, निमोनिया, डायरिया, टोटली डॉक्टर ने बताया। तो उसको मैं 20 से 25 हज़ार लगा करके अभी जस्ट एक महीना पहले उसको मैं ठीक किया हूँ। ये पानी यहाँ जमने की वजह से इसमें जंतु, बड़े बड़े जंतु होते हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे बीमार गिरने की संभावना है। अभी जस्ट मैं बच्चे को ठीक किया हूँ एक महीना पहले, अभी आप खुद ही देख सकते हैं ये पानी हमारे घरों तक जा रहा है, अंदर तक, है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं है। अब आप ही बताइए कि ये हम, ये गांव के पब्लिक, ये जनता, इन लोगों के लिए क्या किया जाए। जो गांव के सरपंच है, जो बोलते हैं कि हम इसका क्या इलाज करें, हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। आप ही लोग हमें कोई राय दीजिए, और ये पानी से बचने के लिए कोई अच्छी सलाह आप दे सकते हैं हम लोगों के लिए। अभी आप खुद ही देखते हैं कि ये पानी हम लोगों के घरों में तक चला जा रहा है ना। मैं अभी आपको नेक्स्ट भी बताऊंगा, ये जस्ट रोड पर भी जा रहा है। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पानी है, अभी पूरा हमको घर में से बाहर निकलने तक के लिए जगह नहीं है, है ना। तो पूरा पानी रोड पर जमा हुआ है, और हमारे यहाँ के जो सरपंच लोग है, जो मेंबर है ग्राम पंचायत के, ये बोलते हैं कि हम इसका इलाज कैसे करें। और ये लोग इलेक्शन मांगने के लिए हमारे घरों तक आ जाते, हमारे घरों में घुसते, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते, है ना। और अभी ये पानी का इलाज कैसे करें और इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बताएं कि इन लोगों के लिए क्या रास्ता निकालें।